हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप के डबल एक्सपोजर फोटो रिंग। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड को करना पड़ेगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फोटो को इस पर ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को ऐड फोटो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और गाइस यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग जो अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी फोटो को ऐड कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हो, हमारे फोटो के बैकग्राउंड यहां से रिमूव नहीं है। तो इसको वन क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फोटो की साइज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। और फोटो की साइज को गाइस इस तरह से बड़ा रखने के बाद यहां पर इस तरह से आप लोग लगा दीजिएगा इस तरह से। एंड इस तरह से करने के बाद आप लोग को साइड में इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहां पर एक पर्सन का ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट नंबर में, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही गाइस इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो की बैकग्राउंड केवल वन क्लिक में यहां से रिमूव हो जाएगी। तो अब हम लोग यहां पर गाइस क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो गाइस हम लोग यहां पर यहां इस इरेजर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने वाले हैं। और गाइस यहां पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को जो करना है, आप लोगों को हार्डनेस को इस तरह से इंक्रीज, इस तरह से आप लोगों को इतना साइज में रखना है। आप चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ से इस तरह करके हम लोग इस तरह से आप लोगों को इस तरह से ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले गाइस हम लोग इस तरह से आप लोग इस तरह से यहाँ जो है आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को इस तरह से चला लेना है। और चलाने के बाद गाइस यहाँ से इस तरह से आप लोगों को सेटिंग रख लेना है। एंड यहाँ से करना है राइट। राइट करने के बाद गाइस क्या करना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी को कम करना होगा। तो इस वाले ऑप्शन में आ जाइएगा, ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर यहाँ इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। और इस तरह से कम कर लेने के बाद गाइस हम लोगों को साइज़ को थोड़ा सा और हम लोग बड़ा कर लेंगे। और इस तरह से बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसे कुछ इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फोटो को एक बार अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे और अपनी उस फोटो को फिर से एक बार ऐड कर लेंगे। और ऐड फोटो पर क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। इस तरह से फोटो को बड़ा करना है। और इरेजर पर आकर गाइस अब लोग को पर्सन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले राइट करेंगे, उसके बाद हम लोग फोटो की साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। साइज़ को हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पर इस तरह से गाइस हम लोग लगा देंगे इसको। और यहाँ पर लगाने के बाद गाइस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग फिर से इरेजर पर क्लिक करेंगे, इरेजर पर आएंगे एंड हार्डनेस को करना पड़ेगा हम लोग को पूरा इंक्रीज़। एंड फोटो को कुछ इस तरह से करना पड़ेगा जूम। और जूम आउट करने के बाद गाइस यहाँ पर से हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी अपना ध्यान से देखिए और यहाँ से इस तरह करके ड्रॉ करना होगा। और जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो, हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर दिए हैं। और दूसरे वाले शूज़ पर भी आके इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ करना होगा। और गाइस यहाँ से इस तरह से करने के बाद राइट कर देंगे। और राइट करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ से कर देंगे राइट। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, अपनी शूज़ के नीचे एक हम लोग PNG को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद गाइस हम लोग उस PNG को ले लेंगे। तो गाइस इस तरह से इस PNG को लेने के बाद इस तरह से छोटा करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से इसको लगा देंगे। और हम लोग इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और छोटा करने के बाद गाइस यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लोग कम कर देंगे। तो इस तरह से ओपेसिटी को कम कर लेंगे। और कम करने के बाद यहाँ पर साइड में इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे। तो डुप्लीकेट पर क्लिक करके एक कॉपी ले लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पर इस तरह से दूसरे वाले शूज भी लगा दीजिएगा। और गाइस यहाँ से लगाने के बाद कर देंगे राइट। उसके बाद अब हम लोग फिर से PNG को ऐड करेंगे। तो यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक कर लेंगे। और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग जो है एक PNG को ले लेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग कौन सा PNG को लेंगे, आप लोग यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग लेंगे इस वाली PNG को, यहाँ से ऐड कर देंगे। एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर आना पड़ेगा आपको, ब्लाइंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। गाइस इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को लगाना होगा। एंड लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, फिर से एक और PNG को लेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग ऐड फोटो पे क्लिक कर देंगे। और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग जो है उस PNG को ले लेंगे। तो यहाँ से इस PNG को लेने के लिए, लेने के बाद जो है आप लोगों को फिर से ब्लाइंड पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कर देंगे हम लोग डार्केन कर देंगे गाइस। और डार्किन करने के बाद गाइस हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, साइज़ को थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको लगा देंगे। और इस तरह से लगाने के बाद गाइस आपकी फ़ोटो कितनी ऑसम सी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से कर देंगे राइट। और आप लोग देख सकते हैं आपकी फ़ोटो कितनी ऑसम सी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो हम लोग इसको सेव कैसे करेंगे गाइस, तो ऐसे नीचे आना होगा, यहाँ पर आप लोगों को एक ड्रॉ टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से ड्रॉ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे।
और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को एक सेव इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फोटो ये वाली गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की डिटेल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलते रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।